अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। और दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर मैं कोई भी वीडियो यहां पर अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी। और मेरी वीडियोज़ को आपने लाइक ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक खैर खैरियत और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, लेकिन आज फिर एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो सबसे पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी अगर यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैनुअल गाड़ी जो है उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं। तो आज ये देखिए, ये मैनुअल गाड़ी है और इसमें ये देखिए 5 गियर हमें बता रहे हैं, और छठा ये जो है वो रिवर्स का है, 1 2 3 4 5। तो आज जो है हम इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जो है किस तरह से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये चाबी का स्विच है और ये मेरे पास चाबी है, तो हम इसके अंदर इस तरह से यूं चाबी एंटर करेंगे। चाबी एंटर करने के बाद क्या होगा जनाब? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी गाड़ी फ्री है। तो फ्री आप कैसे देखें कि देखिए गियर आपका जो है बिल्कुल सेंटर में हो, और इस तरफ ऐसे मूव करे बिल्कुल पूरी एंड तक, इस तरफ भी एंड पे आए और इस तरफ एंड पे जाए, मकसद आपकी गाड़ी जो है वो इस वक्त फ्री है। तो और इसके बाद आपका हैंड ब्रेक जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद आपने इस तरह से अपनी गाड़ी का जो है, तो आपने क्या करना है इस तरह से जो है वो एक टर्न, इस तरह से आपने अपनी चाबी को यूं एक टर्न देना है। एक टर्न देने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो टेप है और थोड़े से इसके फीचर्स हैं, जैसे ये लाइटर हो गया इसका, ये इस तरह से कुछ इसके जो हैं वो फीचर्स वो ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप अगर इसको दूसरा टर्न देंगे, ऐसे दूसरे टर्न के बाद आप देखेंगे कि मीटर की ये सारी जो लाइटें हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, सारी लाइटें चलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और टर्न देना है इसको। आप जैसे ही एक और टर्न देंगे तो उस टर्न के बाद, तो अब जो है आपकी गाड़ी देखें स्टार्ट है, और स्टार्ट होने के बाद सारी लाइटें जो है वो बंद हो गई हैं, सिर्फ ये एक सीट बेल्ट की लाइट जो इंडिकेशन दे रही है, उसके बाद उसके बीच में ये जो दूसरी लाइट है, ये पार्किंग ब्रेक, मतलब ये जो हैंड ब्रेक है इसकी लाइट है, तो ये दो लाइटें चल रही हैं। उसके बाद देखें गाड़ी आपकी स्टार्ट है, आपका ये जो RPM है ये 1 के ऊपर है, तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी जो है इस वक्त स्टार्ट है। और अब क्या करना है, अब यहाँ नीचे देखें, आप नीचे देखिए, ये है इसका क्लच, ये है इसका एक्सेलरेटर, और ये जो है ब्रेक। तो आपने क्या करना है जनाब, ये देखें एक्सेलरेटर है, आपने एक्सेलरेटर दिया, ठीक है, तो आपकी गाड़ी जो है इस तरह से, उसके बाद अब आपने क्या करना है, गाड़ी को आगे चलाना है। चलाने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक्सेलरेटर से आपने पाँव बिल्कुल इस तरह से उठा लेना है, और आपने इस क्लच को दबाना है पूरे एंड तक यूँ, आपने अपनी क्लच को इस तरह से पूरे एंड तक दबाया। क्लच दबाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए गियर है, और इस गियर को आपने इस तरफ लेफ्ट साइड पे करके ऐसे आगे की तरफ लगाना है, तो ये आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में लग गई। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लच से यूँ पाँव उठाना है और हल्का सा एक्सीलरेटर दबाना है, और इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना है। जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ ले, उसके बाद देखें आप थोड़ी सी अगर गाड़ी स्पीड पकड़ गई है, उसके बाद आप क्या करें, एक्सेलेटर से पाँव उठा लें और दोबारा क्लच को आप इस तरह से यूँ दबाएं, और दोबारा दबा के ये जो गियर है इसको आप ऐसे ही पीछे की तरफ यूँ इस तरह दूसरे गियर में लगाएं, और इसके बाद वही तरीका सेम, आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लच से पाँव उठाना है और हल्का सा एक्सेलेटर देना है, इस तरह से जो है वो आपकी गाड़ी दूसरे गियर में चलेगी। और जब दूसरे गियर के बाद आपने तीसरा गियर लगाना है, तो उसी तरह से भी आपने इस तरह से क्लच को दबाना है, एक्सेलेटर से यूँ पाँव उठाना है, और तीसरा गियर जो है आपका यहाँ से ये दूसरे से निकाल के इसको बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर लगाना है आपने, तो आपकी गाड़ी तीसरे गियर में, और फिर उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्लच से आपने पाँव उठाना है और हल्का सा एक्सेलेटर देना है,
फिर आप आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड तक पहुंच जाएगी, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाएगी। उसके बाद आपने फिर चौथा गियर भी उसी तरह से क्लच दबा के, और ये चौथा गियर जो है यहाँ पर यूं पीछे यहाँ पर लगेगा, देखें चौथा गियर। उसके बाद पांचवा गियर भी उसी तरह से ही यहाँ से क्लच दबा के, एक्सलेटर से पाँव उठा के, और फिर ये इस तरफ करके ये यहाँ पर लगाना आपने, तो ये आपकी गाड़ी जो है वो पांचवें गियर में लग जाएगी। और फिर इस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो पांचवें गियर में चलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप गाड़ी को स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना इंडिकेटर का इशारा देना है इस तरह से। ये जो आपका लेफ्ट इंडिकेटर है इसको ऊपर करना है, और इस तरह से ये देखें लेफ्ट इंडिकेटर का इशारा देना है, और अपने आपका जो लेफ्ट साइड ग्लास है उसमें आपने देखना है, लेफ्ट साइड ग्लास जो है आपका उसमें आपने देखना है कि आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं है। और उसके बाद आपने इस मिरर में भी देखना है, ये जो बैक मिरर है। उसके बाद फिर जो है आप क्या करें, अपनी गाड़ी को क्लच नहीं दबाएं, पहले आप हल्का सा ब्रेक लगाएं, हल्का सा ब्रेक पे आप पाँव दें, जब आपकी गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाए उसके बाद आपने क्लच दबानी है, और गाड़ी को आपने इस तरह से करके यहाँ पर जो है वो फ्री कर देना है। तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक देके गाड़ी को बिल्कुल स्लोली स्लोली रोक सकते हैं। उसके बाद आप अपना हैंड ब्रेक जो है उसे, ये यहाँ पर होगा नीचे, और इसे आपने इस तरह से ऊपर कर देना है, तो इस तरह से जो है वो आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। आप किसी भी गियर में हो, ये देखिए यहाँ पर पांचवें गियर में थे तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से निकाल दिया, तीसरे में थे तो इस तरह से निकल आएगा, चौथे में होंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते, मतलब गियर इस पोजीशन में होना चाहिए। तो आप पांचवें गियर से निकालें, चौथे से निकालें, तीसरे से, दूसरे से, या पहले से, आपको गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो गियर को इस पोजीशन में लाना है, उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड बाय।